एम्पायर ग्रुप की जानिब से किशनबाग मसूदिया मस्जिद के बाजू गरीब अवाम में राशन तकसीम करे। इस मौके पर अली जनाब मोहम्मद सलीम साहब कॉरपोरेटर और दीगर भी मौजूद थे। आइए इस तफसीलात पर नज़र डालते हैं। अब तक जितने भी लोगों ने सुना है कि सैयद इमरान अली जो प्रोपराइटर एम्पायर ग्रुप बिल्डर के जो है ना प्रोपराइटर है, लेकिन उन्होंने जब ये चैन शुरू करे, जब गरीबों में देखे कि बहुत जनों को जो ना राशन नहीं मिल रहा, दुकानें जो है ना लॉकडाउन की तरफ से बंद है, उसके बाद देखने के बाद उन्होंने जो है ना जब स्टेप लिया, जब पूरे दोस्तों से डिस्कस किया, अगर वो नहीं अगर होते ना उनका आइडिया होता तो शायद आज हम ये काम इतना मुकम्मल नहीं करते। ये आज यहाँ तक आके अल्लाह का शुक्र है, मालिक का, क्योंकि हम बहुत सारे गरीबों की सिर्फ हमें दुआ चाहिए। हम ये जो है ना पब्लिक सिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ इंसानियत के लिए कर रहे हैं। सैयद इमरान अली का यही कहना था कि अगर किसी भूखे को अगर हम खाना खिलाएंगे तो इसका सवाब बहुत बड़ा होगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है। आज जितने भी एम्पायर ग्रुप्स के जितने भी लोग हैं इसमें इतना काम कर रहे हैं, इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर कि हम बयां नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर, ताड़बन पे, किशनबाग पे, ख्वाजा पहाड़ी पे, वट्टापल्ली पे, हसन नगर की रोड पर, फातिमा नगर पर, बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर डेली रूटीन में 1.5-2 हज़ार पैकेट जो है ना ये लोग तकसीम करते हैं यहाँ पर। मैं और तेलंगाना पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन उन्होंने अगर इतनी सपोर्ट नहीं की होती कि जितने भी लोग यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शायद इन गरीबों को कोई भी एक दाना भी नसीब नहीं होता। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है ना अपने अड़ोस पड़ोस में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में देखें किस तरीके के लोग अगर वहाँ पर है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, लेकिन काम आप लोगों का है कि आप देखना होगा कि कौन गरीब है वहाँ पर। देखो इस लॉकडाउन के चलते जो है ना बहुत बुरा वायरस है जो अब इस वक्त हमारे पूरे दुनिया भर में आया हुआ है, उसको भी नज़र में रखना है। हम जो भी प्रिकॉशन जो है ना गवर्नमेंट से दिए गए उसको भी जो है ना देखना है, लेकिन पब्लिक है ये समझ नहीं है, भूख के अलावा इनको कुछ सुधर नहीं रहा है। आप लोगों से गुजारिश है अगर आप लोग अपने पड़ोस में अगर इस चीज़ को देख ले तो शायद ये लोग जो है ना रोड पे इस तरीके के आके भीड़ भाड़ लगा के जो है ना काम नहीं करते। मैं सबसे एक ही दरख्वास्त करूँगा, ये कोई दिखावे का काम हम नहीं करना चाह रहे, फिर से मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये काम सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि जो है ना आप आइए हमारे साथ काम करिए, आप अपने तरीके से अपने मोहल्ले में और अपनी कॉलोनी में काम करिए, लेकिन काम को अंजाम दीजिए आप लोग, कोई गरीब भूखा ना रहे, इसकी नेकी बहुत बड़ी है। ये आज की दुनिया कल नहीं, बस वही सोच के आपको काम करना होगा। देखिए कानूनी कार्रवाई तो सबके ऊपर ही लगी हुई है। पहले तो जो है ना कर्फ्यू का लॉकडाउन जो है ना सुबह 6 से शाम 6 तक, वो भी इमरजेंसी में निकलना है। अब भूख से ज़्यादा इमरजेंसी तो किसी को नहीं होती, मैं जहाँ तक के समझता हूँ। इंसान जो है ना दवा के लिए बाहर निकलता है तो पुलिस के डंडे पड़ते हैं, अगर उसके पास कोई लिस्ट नहीं होती कुछ नहीं होती। खैर मैं उस तालिक से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जो भी है देखो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन मैं सबको एक ही फिर बार बार अपील करूँगा, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपका पड़ोस में अल्लाह आपको नवाजा, अगर आपके है आपके पास वो ताकत, तो आपके पड़ोस में पहले देखिए आप कि वो कहीं गरीब अगर भूखा अगर मजबूरी के मारे अगर बाहर निकल रहा है तो उसके जिम्मेदार भी तो आप ही होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये थे अब तक की खबरें, मुझे इजाज़त दीजिए।